न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा जिले में दुकानों में दबिश देकर पुलिस ने बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट मोबाइल के पार्ट्स बरामद किए हैं, जिन्हें दुकानों में बेचकर ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा था। दरअसल एप्पल कंपनी के डुप्लीकेट पार्ट्स बाजार में बेचे जा रहे थे, जिसकी शिकायत कंपनी के अधिकारियों ने सिविल लाइन थाने में की थी। वही जानकारी मिलते ही पुलिस ने बुधवार की रात शिल्पी प्लाजा स्थित करीब आधा दर्जन दुकानों में दबिश दी। इस दौरान दुकान में मौजूद काफी मात्रा से डुप्लीकेट सामान बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राहकों को कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट पार्ट्स दिए जा रहे थे। कार्रवाई शुरू होते ही शिल्पी प्लाजा में संचालित करीब दो दर्जन से अधिक दुकानों के शटर गिर गए और ताला बंद कर व्यापारी लापता हो गए। पुलिस ने सामानों की जांच शुरू कर दी है। जांच में यदि पार्ट्स डुप्लीकेट पाए जाते हैं तो दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। उधर जा रहा हूँ। कट्टे का मिलेंगे यार। चालू कर लिया। सर एप्पल कंपनी की डबिश दी गई, क्या क्या माल बरामद हुआ, किसकी दुकानों में कार्रवाई की गई? कल जयपुर से एप्पल कंपनी की टीम आई थी, वहाँ के जनरल मैनेजर आए थे। उन्होंने शिकायत की कि शिल्पी प्लाजा में तीन दुकानें हैं, साईं बाबा मोबाइल, परी मोबाइल और राजा मोबाइल। ये लोग एप्पल का लोगो लगा के और फर्जी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उनकी सूचना पर अपने स्टाफ के साथ दुकानों पर गए, उनका सामान वहाँ पर चेक किया गया। ये एक्सपर्ट थे, इनसे चेक कराया गया तो ये बताया कि सामान फर्जी है, तो वहाँ से सामान जब्त कर थाना लाया गया और इनके खिलाफ 63 कॉर्पोरेट एक्ट 1957 की धारा 63 के तहत कायमी की गई है। और कुछ मोबाइल वगैरह बरामद? मोबाइल तो बरामद नहीं हुआ है, बाकी यूएसबी केबल, चार्जर, अडॉप्टर, ईयरफोन, ईयरबड्स ये सब बरामद हुए हैं और लगभग 300 के पास कवर जब्त हुए हैं मोबाइल। कितने दुकानों में दबिश दी गई? तीन दुकानों पर दबिश। आरोपी कुछ आरोपियों को नोटिस दे के वहीं